हेलो गाइज, वेक्सकॉन है। और जैसा आप लोगों को पता ही होगा, एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही ऐसी बहुत सी अमेजिंग इन्वेंशंस ह्यूमंस ने की है जो हमारे आज काफ़ी काम आ रही है। बट एक एक्सपेरिमेंट जो कि October 28, 1943 के आसपास हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट माना जाता है। आप एक और बात भी ध्यान रखें कि इस एक्सपेरिमेंट के कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। मतलब ऐसा सिर्फ लोग मानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसके कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट वाकई में हुआ भी होगा या नहीं। बट हाँ, मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, और अगर ये एक्सपेरिमेंट वाकई में परफॉर्म किया होगा तो ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, और माना जाता है कि इसे US नेवी ने फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड, जो कि फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में है, वहां पर परफॉर्म किया था। उनकी कोशिश ये थी कि वो इस शिप को पूरे तरीके से गायब कर सके और टेलीपोर्टेशन भी कर सके। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। '55 में एस्ट्रोनॉमर और UFO रिसर्चर मॉरिस के जेसप, जो कि ऑथर भी थे, उसी टाइम पब्लिश की गई एक बुक के द केस फॉर द UFO, जिसमें UFOs और एलियंस के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्हें कहीं से दो लेटर्स मिले जो कि लिखे गए थे कार्लस मिगेल अलेंडे के द्वारा, और उन लेटर्स में कार्लस ने ऐसा क्लेम किया था कि उसने World War II का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा, और वो एक्सपेरिमेंट हुआ था फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में। उसने उस लेटर में काफी डिटेल में ये भी लिखा था कि जो डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट शिप थी USS एल्ड्रिज, उस शिप को उसने खुद अपनी आंखों से गायब होते हुए देखा था, और उसने ऐसा लिखा था कि वो टेलीपोर्ट हुई थी दरअसल न्यूयॉर्क में, और टेलीपोर्टेशन के बाद वो किसी और डायमेंशन में चली गई थी, जहां पर हो सकता है शिप में उन्होंने एलियंस को एनकाउंटर किया, और जब शिप वापस लौटी थी तो बहुत सारे जो लोग उस टाइम पे उस शिप में थे वो मर चुके थे, और कई तो शिप के साथ फ्यूज हो गए थे। मतलब उनके हाथ पांव अलग हो गए थे, हाथ पांव उनके चिपक गए थे, उनका सिर चिपक गया था शिप के हल के साथ। और अगर हम ऐसे किसी व्यू के बारे में सोचे जहां पर हमें दिख रही है एक शिप, और उस शिप में जो लोग हैं उनके बॉडी पार्ट्स अलग हो चुके हैं और शिप के साथ फ्यूज हो गए हैं सिर्फ टेलीपोर्टेशन की वजह से, तो बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन रहा होगा वो। कुछ सालों बाद 1957 में जेसप को कॉन्टैक्ट किया ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च ने, जो कि Washington DC में है, क्योंकि उन्हें किसी ने एक पार्सल भेजा था जिसमें जेसप की ही बुक थी द केस फॉर द UFO, बट उस वाली बुक का जो पार्सल था उसके बाहर लिखा हुआ था हैप्पी ईस्टर, और काफी हैवी एडिटिंग की गई थी उस बुक में पिंक कलर की इंक से। 3 शेड्स थे पिंक कलर के ही, उन्हीं से उस बुक में एडिटिंग जैसे की गई थी, और उस बुक में 3 इंडिविजुअल्स के बारे में भी मेंशन किया गया था, जिनमें से सिर्फ एक का ही नाम दिया गया था, उसका नाम था जेमी, और बाकियों को मिस्टर ए और मिस्टर बी कहा गया था। अब इस बुक में जो एडिटिंग की गई थी, उस एडिटेड टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि स्पेस में दो टाइप के लोग रहते हैं, लाइक 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव इन आउटर स्पेस, ऐसा लिखा गया था उसमें, और उसमें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में भी काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया था। बाद में जब जेसप ने राइटिंग को देखा तो उसने उस राइटिंग के बेसिस पे रिकग्नाइज कर लिया था कि ये सारी एडिटिंग की गई थी कार्लस मिगेल अलेंडे के द्वारा ही। वीडियो में जो आप अभी फोटो देख रहे हैं ये कार्लस की फोटो है, और कार्लस ने ये क्लेम किया था कि जो लेटर्स में इन्होंने लिखा था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में वो सब कुछ सच था, और इन्होंने खुद विटनेस किया था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को नेवल शिपयार्ड में। और अगर हम देखें तो ये जो स्टोरी है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की, ये ओरिजिनेट ही इन्हीं के लेटर से हुई थी। ये भी अगर हम मान के चले कि ये इन्हीं की स्टोरी थी, तो ये स्टोरी फेमस भी हुई कार्लस की वजह से ही, इन्हीं की वजह से फेमस हुई थी। और वैसे काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि स्टोरी सच है, काफ़ी लोग बोलते हैं ये सिर्फ एक स्टोरी ही है, ये सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। इसके बारे में तो खैर हमें नहीं पता चल पाएगा क्योंकि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है हमारे पास, बट जहाँ तक मुझे लगता है, हम सभी को पता है कि 1940s, 50s, 60s इन टाइम्स में एक्सपेरिमेंट का ही दौर था एक तरीके से। अब अगर आप रशिया को ही ले लें तो रशिया का भी एक बहुत ही इनफेमस एक्सपेरिमेंट था, मैंने उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप ऊपर जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ऊपर आपको आ भी रहा होगा आई बटन पे, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट भी इसी की तरह है, प्रूफ नहीं है, उसका भी कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया भी गया था या नहीं, बट बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को शायद परफॉर्म किया गया होगा, क्योंकि जैसा मैं खुद भी मानता हूँ
उस टाइम पे ह्यूमन जो क्यूरियोसिटी थी वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, पर उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा थी, बट जो रिसर्चेज और इन्वेंशंस उस टाइम पे हुई वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और मतलब मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे तो ऐसे ही काफ़ी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स तो ज़रूर हुए होंगे, और हमारी क्यूरियोसिटी की वजह से ही हम अभी जहाँ पर हम पहुँचे हैं वहाँ पहुँच पाए हैं, और अभी और भी हमें आगे जाना है। बट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ये इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स है, दीज एक्सपेरिमेंट्स वर रियली डेंजरस, अगर ये हुए होंगे तो ये काफ़ी डरावने एक्सपेरिमेंट्स थे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाकई में हुआ होगा? अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सिया।